गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन बादल लगे हुए पहाड़ों से। गाइस आज मुझे जाना है वेरीनाग मार्केट, यहाँ की लोकल मार्केट है, वहाँ से मुझे लाना है एक मशीन। तो मशीन कौन सी होगी आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो चलो चलते हैं। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी घर से आधे रास्ते में, रोड अभी भी बहुत दूर है यहाँ से, और मेरे पीछे का व्यू देखिए, त्रिपुरा देवी देख रही है। चलो इस पत्थर में बैठ के विश्राम करते हैं थोड़ा, और आप देखिए यहाँ का व्यू। गाइस रेस्ट भी हो गया थोड़ी देर, चलो अब चलते हैं यहाँ से। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर रोड में, काफी टाइम लगा ऊपर पहुंचने में, और ये है आईसी जनरल स्टोर। जो यहाँ पे ये शॉपकीपर है रिंकू भैया, ये व्यक्तित्व और स्वभाव के बहुत ही धनी और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले इंसान जाने जाते हैं, अपने व्यवहार से व्यवहारिक हैं। गाइस ये ताऊ हैं, इन्होंने जंगल में बाघ देखा और इनकी बकरी पे बाघ ने अटैक कर दिया था और इन बकरी मार दी। ताऊ की व्यूपा वो बतो दे। अरे बाघ ने गड़बड़ की थी। हाँ गुल्डे की थी। अच्छा बहुत ज्यादा की। हाँ तो गड़बड़ उठी हुई ढूंढनी। हाँ बाघ भाजो। अच्छा फिर और दियो। फिर देखे गए कुमाऊं में पहाड़ी क्षेत्र में बाघ का आतंक हो रहा है काफी ज्यादा। जो यहाँ के लोकल मवेशी बकरियां चराने जाते हैं जंगलों में, उनकी बकरियों को वहाँ बाघ मार दे रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, और जो भी बाघ जंगल में मवेशियों के बकरियों को मार रहे हैं उन बाघों को पकड़ा जाए। और एक दो आदमी को यहाँ लोकल नदली गाड़ा में ही अटैक किया था एक बाघ ने, परसों एक औरत पे। तो इन बाघों के खिलाफ वन विभाग को भी एकदम अलर्ट रहना चाहिए, गश्त लगाना चाहिए और पिंजरे लगाने चाहिए। तो गरीब आदमी बकरियाँ पाल के अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी एक बकरी भी मर जाती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेरा यही मैसेज है। साथ में मेरे प्रदीप चचा, एक बार वीडियो में देखो, सामने देखो कहीं गिर जाओगे। ये गाइस हम पहुंचे जंगल में, देखिए हाथ है और ये कार वाल में कुछ छोटा सा चाय बॉक्स है जो यहाँ के पड़ोस के लिए रखी है, हमें चाय अच्छी भी ना आता है। व्यू देखिए गाइस यहाँ से पहाड़ों का, देखिए गाइज मेरे पीछे टी स्टेट, पूरा टी स्टेट अभी धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है। पहले यहाँ चाय का बगीचा हुआ करता था, पूरा चाय का बगीचा कट के अब देखिए गाइज व्यू देखिए यहाँ से, यहाँ पूरा पहले अंग्रेजों के जमाने से चाय का बगीचा था पूरा। हम जा रहे हैं
चाचा की बच्ची को लेने स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। ये यहाँ का इंटर कॉलेज GIC। पाइंसलैंड में या साधना में? साधन। ये कौन सा है? ये पाइंसलैंड हुआ। अच्छा, पाइंसलैंड वालों की छुट्टी हो चुकी है अभी। चाचा की बच्ची है साधना में। और ये रहा तहसील, बेरीनाग तहसील। मट्ठा बनाने वाली मशीन चाहिए थी। कितने की? कितने की? दिखाओ तो एक बार। जितने स्कूल है सबकी टाइमिंग एक साथ है ना। आज मंडे है तो काफी ज्यादा रश है मार्केट में। गाइस मैं जा रहा हूँ घर को, और उस चाचा ने मुझे ऊपर रोड में ही छोड़ दिया था। वो जा रहे हैं आप दूसरे स्कूल में, दो उनके दो बच्चे हैं ना, तो आप दूसरी जगह जा रहे हैं उनको बच्चे को लेने के लिए। और रास्ते में मुझे ये भाभी मिल गई थी, और ये भी अपने बच्चे को, अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो रहा है तो अपने बच्चों को लेने गए थे। गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर, अब जोड़ता हूँ मशीन के पार्ट्स। सो गाइस हम मट्ठा बनाने वाली मशीन की करते हैं अनबॉक्सिंग और उसके पार्ट्स जोड़ते हैं। इसका रोल है जो मोटर से घूमेगा, और ये इसका नीचे के चरखे, इस पे मक्खन लगेगा। और ये इसका हैंडल, और ये कसने वाला, इसकी चाबी। यह है मशीन। चलो जोड़ते हैं इसको। सारे फिट कर दिए मशीन में, आप बनाते हैं मट्ठा। पुरानी वाली मशीन खराब हो गई थी तो नहीं लाए, तीन चार बार रिपेयर कर दी थी, वो बार बार खराब होते जा रही थी, तो काफी टाइम हो गया था। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में जो कुछ भी अच्छा लगा तो
सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने भट्टा भी बना लिया और मक्खन भी निकाल लिया। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।